महिंद्रा इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है। अगर सेल्स के हिसाब से बात करें तो कभी फोर्थ तो कभी फिफ्थ पे आती है, क्योंकि महिंद्रा की गाड़ियों को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके कुछ गाड़ियां इंडिया में काफी पॉपुलर है, जैसे कि महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो, बोलेरो और XUV 700। तो आज मैं आपको इस कंपनी का पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये कंपनी यहां तक आई है, और साथ ही साथ इस कंपनी के लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके इतिहास को समझने के लिए हमें काफी पीछे जाना पड़ेगा, इवन उस समय भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था। तो महिंद्रा ग्रुप की नींव 1945 में एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी के रूप में लुधियाना पंजाब में किया गया था। इसकी स्थापना जगदीश चंद्र महिंद्रा, उनके भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा और पार्टनर मलिक गुलाम मोहम्मद ने की थी, इसलिए इसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया था। आनंद महिंद्रा जगदीश चंद्र महिंद्रा के पोते हैं, जो आज के महिंद्रा ग्रुप के सीईओ हैं। 1947 में भारत को ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद मोहम्मद ने कंपनी का मैनेजमेंट दोनों भाइयों पर छोड़कर पाकिस्तान में राजनीति करने चले गए और पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने और बाद में साल 1951 में थर्ड गवर्नर जनरल भी बने। इधर दोनों भाइयों ने फोर व्हील ड्राइव व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया और साल 1947 में ही विल्ली जीप को लॉन्च किया, और यही से महिंद्रा वर्ल्ड भर में ऑटो इंडस्ट्री में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब जर्नी शुरू हो चुकी थी, इसलिए साल 1948 में कंपनी का नाम बदल दिया और महिंद्रा एंड मोहम्मद लिमिटेड से महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड रख दिया। और पहली बार इस कंपनी का लोगो कुछ ऐसा था जो 1948 से लेकर 2000 तक रहा। ये लोगो स्टीयरिंग व्हील के डिजाइन में बनाया गया था। 1950 और 1960 के दशक में कंपनी ने लाइट कमर्शियल व्हीकल, कृषि ट्रैक्टरों और यूटिलिटी व्हीकल का निर्माण शुरू किया, और साल 1962 में इंटरनेशनल हार्वेस्टर कंपनी के कोलैबोरेशन से B275 पहली ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया, और देखते देखते साल 1983 तक भारत में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बेचने वाली ब्रांड बन गई। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने विदेशी कंपनी के साथ मिलकर काम करता रहा, जैसे कि साल 1986 में ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी के साथ मिलकर आईटी स्पेस बनाया, 1991 में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कंपनी बनाया, 1994 में यूएसए में अपना ट्रैक्टर बिजनेस स्टार्ट किया, और उसी साल रियल एस्टेट बिजनेस में भी एंट्री किया, जो बाद में महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड से रजिस्टर्ड हुआ। कंपनी को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में डिवाइड किया गया, जिसका नाम था ऑटोमोटिव, फार्म इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव कंपोनेंट। इस कंपनी ने 1950 से 2000 तक बहुत गाड़ी को लॉन्च किया, जैसे कि 1993 में महिंद्रा अर्माडा को लॉन्च किया गया था, जो एक एसयूवी और एमयूवी दोनों थी, जिसे जीप प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया था। इसके बाद 1997 में मित्सुबिशी के कोलैबोरेशन के साथ महिंद्रा वोयोगियर को लॉन्च किया गया, जो कि फेल रही क्योंकि इस सेगमेंट को मारुति ईको डोमिनेट करती थी। इसके अलावा महिंद्रा कमांडर, मार्शल और बोलेरो इन्वेडर जैसी गाड़ियों को लॉन्च किया। साल 2000 में कंपनी ने अपना लोगो चेंज किया और कुछ ऐसा डिजाइन किया जो 2012 तक यूज होता रहा। हालांकि ये लोगो आज भी महिंद्रा की कमर्शियल व्हीकल पर देखने को मिल जाती है। यह एक ओवल शेप की डिजाइन है, जिस पर तीन डायगोनल लाइन से बना एक स्टाइलिश अक्षर एम है। यह एक सड़क जैसा दिखता है और गति और गति का एहसास कराता है। यह ब्रांड की टेलीस्कोपिक सोच और टीम वर्क को रिप्रेजेंट करता है। लोगो डिजाइन करने के बाद ही उसी साल महिंद्रा बोलेरो का फर्स्ट जनरेशन मॉडल लॉन्च किया गया था, जो ग्रैंड अर्माडा पर बेस्ड था। ये भी इंडिया में काफी पॉपुलर हुई और इससे कंपनी का नाम भी ऊपर आया। 2002 में पूरी तरह से स्वदेशी इंजीनियर की मदद से वर्ल्ड लेवल स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल महिंद्रा स्कॉर्पियो को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी ने अपना फीचर्स और लुक के दम पर कंपनी को एक अलग पहचान दिलाया और महिंद्रा स्कॉर्पियो खुद में एक ब्रांड बन गई। इसके बाद साल 2005 में महिंद्रा ने यूएसए ट्रक्स कंपनी नविस्टार के साथ मिलकर महिंद्रा नविस्टार कंपनी बनाया, जो इंडिया में कमर्शियल व्हीकल बनाती है, और कंपनी में महिंद्रा का 51% हिस्सा था और नविस्टार का 49%। साल 2007 में कंपनी को भारत की टॉप 40 सबसे बड़ी कंपनियों में स्थान दिया गया था। उसी वर्ष महिंद्रा ने रेनॉल्ट के साथ मिलकर अप्रैल 2007 में दसिया लोगन को लॉन्च किया, जो इंडिया में वेरिटो के नाम से बेची जाती थी, और पैसेंजर कार सेगमेंट में एंट्री किया। 2010 में महिंद्रा ने फेमस जीविज के निर्माता रेवा में इलेक्ट्रिक कार कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी और 2013 में E2O पर प्रोडक्शन शुरू किया। महिंद्रा इलेक्ट्रिक वर्तमान में E2O प्लस बनाती है, और इसे सफल होने के बाद और गाड़ियां बनाई गई जो E2O, इवेरिटो, इसुप्रो है, ट्रेओ, ट्रेओ झोर और ईएल्फा मिनी भी उसी सेगमेंट में आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से अधिकतर छोटे और लाइट कमर्शियल व्हीकल हैं। 2010 में ही महिंद्रा ने फर्स्ट जनरेशन थार का प्रोडक्शन भी शुरू किया, जिसने पुराने सीजे आधारित मेजर का स्थान लिया। सेकेंड जनरेशन थार को 2020 में लॉन्च किया गया था, जो आज तक इंडियन मार्केट में धूम मचा रही है। 2011 में
महिंद्रा ने साउथ कोरिया के 4x4 स्पेशलिस्ट सैंगयोंग को खरीदा और रेक्सटन एसयूवी का रीब्रांडेड वर्जन बेचना शुरू किया। वर्तमान में महिंद्रा तिपहिया वाहनों को छोड़कर लगभग 20 डिफरेंट मॉडल बनाती है। इनमें से कुछ को स्कॉर्पियो और बोलेरो की तरह घर में ही डेवलप किया गया है, जबकि कुछ मॉडलों के रीबैच वर्जन ही लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि अल्टुरस G4 एक सैंगयोंग रेक्सटन है, ई वेरिटो एक इलेक्ट्रिक कार है जो फर्स्ट जनरेशन का डेसिया लोगन है, और XUV 300 एक सैंगयोंग टिवोली का ही अपडेटेड वर्जन है। महिंद्रा की लेटेस्ट मॉडल के UV 100 मोराजो और XUV 500 ये सभी इंडिया में ही डेवलप किए गए हैं। 2012 में महिंद्रा ने एक नया मॉडर्न लोगो बनाया। नेम प्लेट का लाल रंग ब्रांड के पैशन और एनर्जी, उसकी पावर और उसके हर काम में कॉन्फिडेंट को दर्शाता है, जबकि राइज का मतलब प्रोफेशनलिज्म और अथॉरिटी पैदा करता है, जो आज तक इसे यूज किया जा रहा है। 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका के डेट्रॉइट में महिंद्रा की पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ, जहां वे पूर्ण नॉकडाउन किट से फर्स्ट जनरेशन थार बेस्ड रॉक्सर को असेंबल कर रहे हैं। अब जीप के साथ महिंद्रा के इतिहास को जानने के बाद यह स्पष्ट है कि रॉक्सर एक पुरानी जीप की तरह दिखती है, और जीप खुद यह जानती है, इसलिए 2018 में उसने कॉपीराइट उल्लंघन का विवाद दायर किया, जिसे उसने जीत लिया और रॉक्सर की बिक्री पर प्रतिबंध लग गया। लेकिन महिंद्रा ने 2020 में रॉक्सर को फिर से डिजाइन किया और वह इसे एक बार फिर अमेरिकी बाजार में साइड बाय साइड के रूप में बेचना शुरू किया। यह महिंद्रा का अमेरिकी ऑटोमोटिव मार्केट में पहला एंट्री नहीं था। इसका पहला प्रयास 2010 में था, जब इसने स्कॉर्पियो पिकअप बेचने के लिए ग्लोबल व्हीकल्स के साथ साझेदारी की थी, लेकिन सौदा अंततः फेल हो गया। इसके बाद साल 2019 में महिंद्रा में पनिनफ्रीना बटिस्टा को अनवेल किया, जो दुनिया की पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक हाइपर कार है। और अब तो आपको याद भी होगा कि साल 2020 में महिंद्रा ने थार का सेकंड जनरेशन मॉडल लॉन्च किया, जिसने ऑफरोडिंग व्हीकल का अलग ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। इसके बाद 2021 में XUV 700 महिंद्रा की नई लोगो के साथ लॉन्च की गई थी, जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल के हिसाब से डिजाइन किया गया था। और 2022 में स्कॉर्पियो N के लॉन्च के बाद SUV कार का डेफिनेशन ही बदल दिया। महिंद्रा की अगर आने वाली गाड़ी की बात करें तो थार का 5-डोर वर्जन 2024 तक लॉन्च कर दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो साल 2019 में महिंद्रा और फोर्ड ने साथ काम करने का एक अग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण ये पार्टनरशिप चल नहीं पाया और साल 2021 में दोनों कंपनी अलग हो गए। और आपको याद होगा 2021 में ही फोर्ड इंडिया छोड़कर चली गई थी। तो महिंद्रा एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दुनिया भर में है, जिसने इसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में एक बड़ा खिलाड़ी बनने में मदद किया। बताने की जरूरत नहीं है कि यह ट्रैक्टरों में सबसे बड़ा नाम है और ट्रक सेगमेंट में एक बड़ी ताकत है। महिंद्रा इंडिया की लार्जेस्ट SUV मेकर कंपनी बन गई है और अपनी प्रोडक्ट को यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट करता है। आज महिंद्रा 100 से ज्यादा देशों में अपना ऑपरेशन चला रही है और 50 से ज्यादा कंपनियों का विशाल ग्रुप बन चुकी है। तो दोस्तों, इस कंपनी का इतिहास फिलहाल यही तक है। इसके बारे में सब कुछ बताने का मेरा छोटा प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।